Hello friends, I welcome to all of you on our YouTube channel. I'm Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I'm going to discuss with you UGC NET Sociology, June 2013, Paper 2nd and Part 3. इसके पहले दो parts मैंने discuss किए. Let's begin with question number 37. Men make history, but they do not make it just as they please. लोग इतिहास बनाते हैं बट उनको जो अच्छा लगे वो वैसा इतिहास नहीं. दे डू नॉट मेक इट अंडर सर्कमस्टांसेस चूजन बाय देमसेल्व्स. वह उन्होंने खुद ने सर्कमस्टांसेस जो चूज किए हैं उनके द्वारा वह इतिहास नहीं बनाते बट अंडर सर्कमस्टांसेस डायरेक्टली एनकाउंटर्ड गिवन एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पास्ट. पास्ट से कुछ सिचुएशन उनके सामने आते हैं ट्रांसमिट होके तो उनको फेस करते वह इतिहास बनाते हैं. विथ हुम इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स. बहुत ही फेमस कोटेशन है ये सोशोलॉजी में. Thinking is simply an internalized or implicit conversation of the individual with himself by means of significant gesture. Thinking kya hai? Thinking is simply internalized or implicit conversation of the individual with himself by means of significant gestures. Thinking में एक आदमी उसके साथ ही हिमसेल्फ इंडिविजुअल विथ हिमसेल्फ क्या करता है कन्वर्सेशन करता है उसके साथ ही बातें करता है. उस वह किसके द्वारा मीन्स ऑफ सिग्निफिकेंट गेस्चर के द्वारा एक आदमी चिंतन में यानी कि थिंकिंग में अपने आप से कन्वर्सेशन करता है. हु सेड सो. टेक अ टाइम. Answer is G.H. Mead. Which of the following is not a feature of association? Association का इनमें से कौन सा feature नहीं है? क्या होता है association का मतलब? For example, trade union, music club, etc. These are the examples of association. Association क्या होता है? It is a collectivity of people. Association में लोगों का collection होता है. Having certain objective. हर एसोसिएशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. वॉलंटरी मेंबरशिप होती है. कभी भी आप छोड़ के एसोसिएशन जा सकते हैं बट इन वॉलंटरी मेंबरशिप कहाँ होती है? फैमिली में होती है. तो फैमिली आप कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते. ऑप्शन डी परसुइंग आइडियल नॉर्म्स. आइडियल नॉर्म्स को एसोसिएशन परसू करता है क्या? नहीं करता है. तो यहाँ पे क्या पूछा है? Which of the following is not a feature of association? Association का फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी pursuing ideal norms. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following statement on the nature of social role is not correct? Nature of social role के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? क्या है social roles? It is a set of expectation. Yes. Social roles अगर आप अडॉप्ट करते हो कोई रोल तो एक्सपेक्टेशन उसके साथ होता है. फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो तो आपको पेशेंट का इलाज करने के लिए आपसे एक्सपेक्टेशन होता है. इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन वन्स रोल विदाउट रेफरिंग टू अनदर. एक पर्टिकुलर इंसान का कोई रोल डिफाइन करना है तो दूसरे रोल को आपको रेफर करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल पुलिस का अगर आपको रोल समझना है तो क्रिमिनल्स का रोल भी आपको देखना पड़ेगा. पुलिस का अपने आप में कोई रोल नहीं होता, वह क्रिमिनल से जुड़ा ही होता है. आप अगर क्रिमिनल्स नहीं होते तो पुलिस का रोल क्या होता? कुछ भी नहीं होता. अगर स्टूडेंट ही नहीं होते तो प्रोफेसर का रोल क्या होता? कुछ नहीं होता. और प्रोफेसर नहीं होता तो स्टूडेंट का भी रोल कुछ नहीं होता. इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. यस, अगर आप कोई रोल एडॉप्ट करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ राइट्स मिलते हैं और ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ती है. ऑप्शन नंबर डी इट हैज नो एसोसिएशन विथ स्टेटस.
इसका स्टेटस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता सोशल रोल का, ये तो गलत है क्योंकि सोशल रोल का स्टेटस के साथ एसोसिएशन होता ही है। तो ऑप्शन उन्होंने क्या पूछा है, तो नेचर ऑफ सोशल रोल, सोशल रोल का कौन सा नेचर नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी, इट हैज नो एसोसिएशन विथ स्टेटस, नहीं है पूछा है तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू कोजर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मे नॉट बी फंक्शनल फॉर द सिस्टम। कोजर ने कौन सा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप सोशल सिस्टम के लिए फंक्शनल नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा है। टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वह सोशल सिस्टम के लिए फंक्शनल नहीं होता। अगर आप फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्मॉल इश्यूज के ऊपर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो वह फंक्शनल होता है सिस्टम के लिए। रिपीटेटिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी के कॉन्फ्लिक्ट रिपीटेटिव होती है तो वो भी फंक्शनल है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लिसिट रियलिस्टिक इश्यूज, इनके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो भी फंक्शनल है। बट कॉन्फ्लिक्ट ओवर कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज जो होती है समाज के, उसके ऊपर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वह सिस्टम के लिए फंक्शनल नहीं होता, ऐसा कोजर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज रियल जीरो ओरिजिन। टेक योर टाइम, रिसर्च का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज रेशियो, क्वेश्चन नंबर 43, हु हैड अप्लाइड द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी टू एनालाइज मोबिलिटी विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की मोबिलिटी को एनालाइज करने के लिए रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल किसने किया, हु यूज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का यूज कास्ट सिस्टम को समझने के लिए एम एन श्रीनिवास ने किया है। उनका फेमस थ्योरी है संस्कृताइजेशन, उसमें उन्होंने किस तरह लो कम्युनिटी हायर कम्युनिटी को अडॉप्ट, उनके जो बिहेवियर है उनका जो कल्चर है उसको किस तरह से वह अडॉप्ट करती है वह उन्होंने स्टडी किया है और उसको वह संस्कृताइजेशन नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल विजिबिलिटी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय होम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। स्ट्रक्चरल विजिबिलिटी, फंक्शनलिज्म में स्ट्रक्चरल विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ऐसा कौन मानते थे, ऐसा मानते थे आर के मॉर्टन। तो उन्होंने जब पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल, फंक्शनलिज्म के पोस्टुलेट दिए थे तो उन्होंने उन्होंने रेडक्लिफ, ब्राउन और मेलोनस के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया था। खाली आप आइडियोलॉजी के बेस पर समाज का स्टडी नहीं कर सकते, तो वहां आपको स्ट्रक्चरल विजिबिलिटी आपको जाननी चाहिए, वहां पे फील्ड वर्क आपको करना चाहिए, ऐसा आर के मर्टन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इमाइल दुर्खाइम ने दिया है, करेक्ट है। पैटर्न वेरिएबल टालकट पार्सन ने दिया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ सी एच कूले, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म आर के मर्टन। टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म, यह मेलिनोस्की ने दिया है, आर के मर्टन ने नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे कोई कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं होता यह पूछा था, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इमाइल दुर्खाइम ने दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनका बुक है, 1893 में उन्होंने यह बुक लिखा है, आप नोट डाउन कीजिए ये पॉइंट। उन्होंने दो टाइप का सॉलिडेरिटी बताया है, वन है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड सेकेंड इज
ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यू कैन सी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इन होमो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक ट्राइबल सोसाइटी और प्रिमिटिव सोसाइटीज, यू कैन सी नाउ स्टिल ऑल्सो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इन रूरल एरियाज लाइक विलेज कम्युनिटी, जहां पर होमोजिनिटी होती है, वहां पे एक जैसा कल्चर होता है, एक जैसे विचार करने वाले लोग होते हैं और एक ही व्यवसाय करने वाले मोस्टली लोग वहां पे पाए जाते हैं, तो उनका डिफरेंट कल्चर नहीं होता, एक ही लैंग्वेज वह बोलते हैं, एक ही रिचुअल्स और एक ही बिलीव के ऊपर वह बिलीव करते हैं। और सेकंड है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, इंटरडिपेंडेंस होता है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हर एक का दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होता है। यह दुर्खाइम ने अपने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में लिखा है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बुक्स के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमानुएल दुर्खाइम का बुक है। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ असेसिंग वैलिडिटी ऑफ वन्स रिसर्च बाय टेक योर टाइम, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज, ट्रायंगुलेशन का क्या मतलब होता है? ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेथड वो ट्रायंगुलेशन में मिक्स किया जाता है एंड थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ सेम सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बाय वन और मोर रिसर्चर। जब डिफरेंट मेथड्स को एक साथ स्टडी किया जाता है तो उसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं, ट्रायंगुलेशन का मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेक्निक ऑफ रिसर्च, टेक योर टाइम, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वालिटेटिव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसने किया है? विलियम फुट वाइट ने किया है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे विलियम फुट वाइट। इन्होंने अमेरिका का एक ग्रुप था कॉर्नवाइल गैंग, एक ग्रुप ऑफ इटालियन अमेरिकन मेन थे हुज टेरिटरी वाज स्ट्रीट कॉर्नर इन बोस्टन, जो रास्ते पे लोग रहते थे बोस्टन में इन द लेट 1930s एंड अर्ली 1940s, लेट 1930 एंड अर्ली 1940s में बोस्टन में जो लोग स्ट्रीट के कॉर्नर पे रहते थे कॉर्नविली गैंग, उनके साथ वह खुद फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो गए थे और उन्होंने उनका स्टडी किया था। तो वहाँ पर एक फेमस उनके कॉर्नविली गैंग का लीडर था डॉक, उनके साथ वह वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। पार्टिसिपेशन करने के बाद वह उनका जो जिस तरह से वह रहते हैं उनका वह उन्होंने स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च में करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जब हम सोशल रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके बाद जो नल हाइपोथेसिस है उसका स्टडी करते हैं, उसके बाद हम पायलट स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है सबसे पहले, सेकंड में नल हाइपोथेसिस होता है, थर्ड में पायलट स्टडी होता है, फोर्थ में ऑब्जर्वेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होने के बाद डाटा एनालिसिस एंड लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग। देखो कभी भी रिसर्च जब होता है तो लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग होता है, और सबसे पहले हमेशा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्टेड माइक्रो इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, माइक्रो इंटीग्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने बनाया है? करेक्ट आंसर इज रैंडल कोलिंस।
रैंडल कोलिंस, सॉरी रैंडल कोलिंस मानते थे एक्टर एज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह एक्सटर्नल से इंडिविजुअल को आता नहीं है, बल्कि एक्टर ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? एक्टर सोशल स्ट्रक्चर एंड इनसेपरेबल, एक्टर जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरेक्शन रिचुअल चेन में, जब एक्टर का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है तो वह एक सिंबल की तरह उनको काम आता है और वहां पे वह प्रैक्टिस हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलिंग्स कॉन्फ्लिक्ट को इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि माइक्रो स्टडी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट का। और वह कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड इनसेपरेबल फ्रॉम द एक्टर हु कंस्ट्रक्ट देम एंड हुज इंटरेक्शन पैटर्न्स आर देयर एजेंट्स। कोलिंस कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर जो है वह एक्टर के विदाउट स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्टर ही है जो सोशल स्ट्रक्चर को बनाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। इन द मेजर कंसेप्टुलाइजेशन ऑफ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए बेसिस ऑफ क्लास सिचुएशन। क्लास सिचुएशन जब हम देखते हैं तो कौन से इसमें दो बेसिकली हम फैक्टर देखते हैं, तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन डी, यानी कि हम प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी देखते हैं, इनकम और कास्ट नहीं देखते हैं जब भी हम क्लास का स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।